हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष कांबे और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने रियन क्लासेस के चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर रोज 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की विविध जानकारी। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको जरूर प्रेस करेगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ये वाली वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि एमपीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जो एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ए सांची, बी उज्जैन, सी शिवनी, डी विदिशा। इसका उत्तर है दोस्तों बी उज्जैन। राजा जय सिंह सवई के द्वारा स्थापित जंतर मंतर वैधशाला वाराणसी, जयपुर, मथुरा, दिल्ली के अतिरिक्त उज्जैन में भी है। उज्जैन शहर में दक्षिण की ओर शिप्रा के दाहिनी तरफ जय सिंह नामक स्थान में बना यह प्रेक्षा गृह जंतर महल के नाम से जाना जाता है। इसे जयपुर महाराजा जय सिंह ने 1773 ईस्वी में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज द जंतर मंतर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? ए सांची, बी उज्जैन, सी शिवनी, डी विदिशा। आंसर इज बी उज्जैन। जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश्ड बाय किंग जय सिंह सवई इन उज्जैन इन एडिशन टू वाराणसी, जयपुर, मथुरा, दिल्ली इन द साउथ साइड ऑफ सिटी उज्जैन on the right side of the Shipra named Jai Singh. This demonstration is known as Jantar Mahal. It was built by Maharaja Jai Singh of Jaipur in 1733 AD. प्रश्न दो पे चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थित है? ए जबलपुर, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी कटनी। और इसका उत्तर है दोस्तों बी ग्वालियर। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना सन 1983 में संसदीय समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार ने नई दिल्ली में की थी, जिसे सन 1992 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था। इससे पश्चात 1996 में संस्थान के पर्यटन यात्रा विषय पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू किया गया। संस्थान एशिया पैसिफिक क्षेत्र में उन गिने चुने संस्थान विश्वविद्यालय में से एक है जो पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन विषय में स्नातकोत्तर की उपलब्धि देते हैं। वास्तव में यह एक मल्टी कैंपस इंस्टीट्यूट है जिसका सेंटर हेड कार्टन ग्वालियर में है तथा नई दिल्ली, भुवनेश्वर एवं गोवा में केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 2, In which district of Madhya Pradesh is the Institute of Indian Tourism and Travel Management located? A. Jabalpur, B. Gwalior, C. Indore, D. Katni. And the answer is B. Gwalior. The Indian Tourism and Travel Management Institute was established in 1983 by the Indian government in New Delhi on the recommendation of the Parliamentary Committee, which was transferred to Gwalior, Madhya Pradesh in 1992. After this, in 1996, the scholarship diploma on tourism was started in the institute. The institute is one of the few selected institutes or universities in the Asia Pacific region who give master's degree in tourism and travel management. In fact, it is a multi-campus institute with its center head quarter in Gwalior, and there are centers in New Delhi, Bhubaneswar and Goa also. Prashn 3 pe chalte hain dosto. Meghdoot bagicha kahan sthit hai? A. इंदौर, B. उज्जैन, C. ग्वालियर, D. मांडव। और इसका उत्तर है दोस्तों A. इंदौर। मेघदूत बगीचा इंदौर के सभी पार्कों में से सबसे बड़ा पार्क है। बेहद लोकप्रिय पार्क स्थानीय लोगों के बीच के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 3, Where is Meghdoot Garden located?
ए इंदौर, बी उज्जैन, सी ग्वालियर, डी मांडव. एंड द आंसर इज ए, दैट इज इंदौर. मेघदूत गार्डन इज द लार्जेस्ट पार्क इन ऑल द पार्क्स ऑफ इंदौर. द मोस्ट पॉपुलर पार्क एंड मेन अट्रैक्शन अमंग द लोकल्स एज वेल एज फॉर द टूरिस्ट हु कम्स हियर. प्रश्न चार. मध्य प्रदेश में प्रथम मेगा फूड पार्क 12 फरवरी 2016 को किस शहर में उद्घाटित किया गया? ए खरगोन, बी जबलपुर, सी देवास, डी दतिया. और इसका उत्तर है दोस्तों ए खरगोन. खरगोन के औद्योगिक क्षेत्र पानवा में प्रदेश के पहले मेगा फूड पार्क 12 फरवरी 2016 को उद्घाटित किया गया. क्वेश्चन नंबर 4. In which city the first mega food park in Madhya Pradesh was inaugurated on February 12, 2016? Options are A. Khargone, B. Jabalpur, C. Devas, D. Datia. And the answer is A. Khargone. The first mega food park of the state was inaugurated on February 12, 2016 in Panwa, which is an industrial area of Khargone. प्रश्न पांच पे चलते हैं दोस्तों. भोपाल में जन्मे हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? ए वाई वी रेड्डी, सी अरविंद सुब्रमण्यम, डी रघुराम गोविंद राजन, डी अरविंद पनगरिया. दोस्तों ये फोटो देखकर शायद आपको याद आ गया होगा इसका उत्तर. क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है सी रघुराम गोविंद राजन. भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर जो कि 2013 से 2016 रहे रघुराम गोविंद राजन का जन्म 3 फरवरी 1963 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ. इनके पिता गोविंद राजन 1953 बैच के एक आईपीएस ऑफिसर थे. रघुराम राजन ने 5 सितंबर 2013 को आरबीआई के 23वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला और 4 सितंबर 2016 तक इस पद पर रहे. इससे पहले प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के आर्थिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री 2003 से 2006 तथा 2011 में अमेरिकन फाइनेंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हु वॉज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बॉर्न इन भोपाल? ए वाई वी रेड्डी, बी अरविंद सुब्रमण्यम, सी रघुराम गोविंद राजन, डी अरविंद पनगरिया. एंड द आंसर इज सी रघुराम गोविंद राजन. रघुराम गोविंद राजन 23rd गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2013 टू 2016 वॉज बॉर्न ऑन February 3, 1963 इन अ तमिल ब्राह्मण फैमिली इन भोपाल विच इज इन मध्य प्रदेश. हिज फादर गोविंद राजन वॉज एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ द 1953 बैच. Raghuram Rajan took charge as the 23rd governor of the RBI on September 5, 2013 and remained in office till September 4, 2016. Earlier, when Prime Minister was Dr. Manmohan Singh, he served as Economic Advisor, Chief Economist of the International Monetary Fund 2003 to 2006, and in 2011 he also worked as president of the American Finance Association. दोस्तों इसी के साथ आज के 5 क्वेश्चन समाप्त हुए. मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, हमें और हमारी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है. और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको जरूर प्रेस करिएगा, इससे आपको हमारी वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. और आप उन सबके साथ जरूर शेयर करिए जो एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं. और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. तो दोस्तों स्टडीज करते रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए. थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय.